हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया गया, देखिए आज हम लोग कुछ बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रॉब्लम करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आए हुए सब हैं क्लास टेन के बोर्ड एग्जाम में। बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जो आर एंडोथर्मिक, बताना इसमें कौन सा प्रोसेस एक्जोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। तो देखिए पहला क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। बताए थे कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो सबके सब एंडोथर्मिक होता है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन वर्ड बोल ही दिया गया, तो आप समझ जाओगे कि डिकम्पोजिशन का मतलब क्या था, कि किसी चीज़ को ब्रेक करना। और ब्रेक करने के लिए आप क्या देते हो, हीट देते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, या सनलाइट से ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो आपका रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अलग से हम जैसे जैसे आपका समय आएगा पास बोर्ड एग्जाम का, हम अलग वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल इस चैप्टर को लास्ट हम कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मान लीजिए सपोज दैट इसका रिएक्शन लिखने के लिए बोलता है, तो इसका रिएक्शन ये होता है, ये फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है Fe2SO4। जब इसको हीट करते हो तो ये टूटता है Fe2O3 में प्लस SO2 में और SO3 में टूटता है। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, जो कि रस्ट का फार्मूला होता है, जो रस्ट लग जाता है आयरन पर। ये सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। स्टूडेंट यहाँ पर बैलेंस करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए Fe2 हो जाएगा, 2 सल्फर यहाँ भी है S और S2, और 2 4 या 8, और यहाँ पर 3 और 3 6 2 8 बैलेंस है सब। ये देखिए अब ध्यान समझिए कि ये सिंगल कंपाउंड टूट गया 2 या 2 से अधिक में, तो पूछ देता कि बताइए इसमें कौन सी रिएक्शन है। तो रिएक्शन का नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एनर्जी के बेसिस पर कौन सी रिएक्शन है, तो एंडो। तो यहाँ तो यही बस पूछा है एक्जो एंडो, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये एंडो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप एनर्जी, यहाँ पर हीट दे रहे हो। आप एरो के ऊपर लिख सकते हैं डेल्टा बनाकर, या यहाँ प्लस हीट लिख सकते हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ एक बात और बता देना चाहते हैं आपको कि कभी कभी ये बोल देता है, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये बनेगा, तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में अलग से आ चुका है, अभी क्वेश्चन कराएंगे, देखिए ये आएगा, तो इसको स्टार लगा लीजिए, इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा जैसे अपना नाम याद रखे हैं। देखिए सेकेंड देखते हैं क्या है, दिया डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है डाइल्यूट करना, मिलाना, किसी चीज़ को हम लोग मिला रहे हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन कराएंगे। तो यहाँ का मतलब क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन मतलब वाटर से मिला रहे हो। तो स्टूडेंट देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। अब H2SO4 का डाइल्यूशन कराओगे, वाटर मिलाओगे, तो देखिए इसका रिएक्शन ये होता है, H2SO4 को जब डाइल्यूट करोगे, मान लो वाटर के साथ ही करते हैं डाइल्यूशन, तो ये टूटेगा, इसमें 2H+ में टूटेगा और SO4 2- में टूटेगा, और इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है। प्रैक्टिकली अगर देखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड में अगर वाटर आप डाल देंगे, बहुत ज़्यादा वाटर, तो आग लग जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग तेजाब भी बोलते हैं, तेजाब कामन में, ये किंग ऑफ एसिड होता है। डाइल्यूशन का मतलब क्या कि हम वाटर उसमें मिला रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो अगर आप वाटर जैसे है, देखिए यहाँ पर दो बातें भी पढ़ोगे आप लोग एसिड बेस एंड साल्ट में, तो ज़्यादा हमने बता रहे हैं, बस इतना बता देना चाहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड में अगर वाटर मिलाओगे अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आग लग जाती है, क्योंकि ये बहुत ही कंसंट्रेटेड एसिड होता है। मतलब इससे ज़्यादा अगर वाटर मिलाओगे तो आग लगने की संभावना है। तो इसका मतलब कि हीट बाहर निकल रहा है, तो हीट बाहर निकल रहा है तो कौन सी एनर्जी है, एनर्जी बाहर निकल रही तो कौन सा रिएक्शन बताइए, एक्जो है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तीसरा इसमें दिया है डिजॉल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर। NaOH भी जैसे ये स्ट्रांग एसिड होता है, याद रखिएगा H2SO4 एसिड तो होता है, ये स्ट्रांग एसिड होता है, और NaOH जो होता है स्ट्रांग बेस होता है। तो जब डिजॉल्यूशन मतलब क्या कि वाटर के साथ मिलाओगे, इसको डिजॉल्व करोगे, तो NaOH को जब आप वाटर के साथ डिजॉल्यूशन करोगे तो ये टूटता है, इसमें ये आयन में टूट जाएगा, Na+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। तो जब बेस को भी, अगर ये एसिड था, जब बेस को भी वाटर मिलाओगे तो इस केस में भी एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है। तो ये भी आपका क्या बताइए, एक्जो है, ये भी आपका क्या है, एक्जो है, क्योंकि यहाँ भी देखिए एनर्जी बाहर निकल रहा है, यहाँ पर एनर्जी बाहर निकल रहा है। और फोर में देखिए, फोर में अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला NH4Cl होता है, तो ये साल्ट है, ये ना तो एसिड है ना तो बेस है। और साल्ट को जब भी आप ब्रेक करते हैं, जब डिजॉल्यूशन करेंगे, तो इस केस में स्टूडेंट
इसका जो बनेगा NH4+ यहाँ Cl-, मतलब यहाँ पर आपको हीट देना पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब एसिड और बेस को वाटर के साथ मिलाओगे तो एनर्जी हमेशा बाहर निकलेगी। ये ट्रिक याद रखना, जब एसिड और बेस को हमेशा वाटर के साथ मिलाओगे तो एनर्जी बाहर निकलेगी। और जब ये साल्ट है तो ये साल्ट को जब भी वाटर में मिलाओगे तो उस केस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाकर टूटेगा आयन में, तभी ये जाकर आयन में टूटेगा NH4+ में Cl- में। तो इस केस में एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे, इसको नोट कीजिए, एकदम अच्छे से इसको देख लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। फाइंड आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन फॉलोइंग, आपको रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत आसान है, पिछले लेक्चर बताए थे ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें ध्यान से अगर देखिए आप रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज सब बता सकते हैं A to Z एकदम, लेकिन जितना पूछा गया बस उतना काम कर लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया है तो कैसे निकालोगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्या तरीका है? तो पहले रिड्यूसिंग एजेंट होता किसका बताइए, ऑक्सीडेशन का। आपको पता होगा ये ऑक्सीडेशन का होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसी का ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है, आपको पता होगा लिखवाए थे सब, उसी का रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप ऑक्सीडेशन पहचान लीजिए। तो ध्यान से स्टूडेंट अगर देखें तो जो पहला क्वेश्चन आपका है 4NH3 है और प्लस 5O2 है, ये 4NO है प्लस 6H2O है। अब जैसे मान लीजिए इसमें पहचानना है रिड्यूसिंग एजेंट, तो कैसे पहचानोगे? तो देखिए ध्यान से, तो नाइट्रोजन यहां से रिएक्शन के पहले नाइट्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन में ऑक्सीजन है, मतलब नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन है, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। बस हमें ऑक्सीडेशन वाले को खोजना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन वाले को खोज लिए तो रिड्यूसिंग एजेंट किसका होता है, ऑक्सीडेशन का। तो बस इसी का अब बता दीजिए क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अब आप क्लियरली यहाँ से आपको आइडिया मिल गया कि क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए ऑक्सीडेशन हुआ, तो एजेंट किसका होता है, बताए थे रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का तो होगा नहीं, तो इसमें इसमें किसको मानेंगे, इसी को मानेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 4NH3, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। बट एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, ये गलत तरीका लिखने का, 4 को आप नहीं लिखोगे, क्योंकि मेन चीज़ है क्या, अमोनिया, तो बस यहाँ पर आंसर NH3 लिखोगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर जो कोफिशियंट है 4-5 उसको भी लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, आप हमेशा मेन प्रोडक्ट को लिखना, जो मेन रिएक्टेंट है। जैसे ऑक्सीजन तो बस O2 लिखेंगे, ये 5 तो ये बता रहा है कि इसके 5 मॉलिक्यूल्स हैं, अब 4 ये बता रहा है कि अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप कोफिशियंट को नहीं लिखेंगे, जो आपका मेन फार्मूला है बस उसको लिख देंगे। तो बस हो गया पहले वाले का आंसर, ये एक आंसर है, ये आपका ए है यहाँ पर। बी का अगर आंसर देना है तो अब देख कर बताइए ओरली यहाँ से क्या दिक्कत है, लिखना क्या है, हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन, तो यहाँ पर फ्लोरीन में, और यहाँ पर ध्यान से देखिए, या यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक देखिए तो फ्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड होना क्या हो गया, तो रिडक्शन है। तो हमें पहचानना किसको बताइए, हमें तो पहचानना है रिड्यूसिंग एजेंट को, तो रिड्यूसिंग एजेंट को अगर देखना है तो देखिए ध्यान से यहाँ तक देखेंगे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है स्टूडेंट, देखिए H2O है और प्लस F2 है, यहाँ पर ये HF हो गया और प्लस HOF हो गया। तो देखिए हमें रिडक्शन को, हमें ऑक्सीडेशन को पहचानना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ फ्लोरीन में सिंगल फ्लोरीन था लेकिन यहाँ फ्लोरीन में ऑक्सीजन आ चुका है, यहाँ पर फ्लोरीन सिंगल था लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आ चुका है, इसका मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया फ्लोरीन में, तो ये जो हो गया ऑक्सीडेशन को शो करेगा, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन का ही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया आपका, रिड्यूसिंग एजेंट आपका F2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है ये, तो स्टूडेंट ये बहुत आसान है। जानकारी के लिए एक बात और बता दी आपको, थोड़ा सा अगर ब्रिलियंट बनना है आपको, थोड़ा सा बस ब्रिलियंट बनना है, ज़्यादा नहीं, तो देखिए एक बात और, क्योंकि ये बात हमसे डाइजेस्ट हो नहीं रही है और आपको बताना जरूरी है, H2O प्लस F2 यहाँ पर हो गया HF प्लस HOF। अब कुछ बच्चे यहाँ बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो फ्लोरीन सिंगल है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो यहाँ तो देखिए रिडक्शन भी दे रहा है, तो
क्योंकि देखिए फ्लोरीन यहाँ पर था, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक रिडक्शन, और यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो यही फ्लोरीन जो है, इस फ्लोरीन में ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, और हाइड्रोजन तो ऐड हुआ ही है, तो इसके लिए यहाँ पर बोलिन रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब यहाँ पर सेम जो आपका एलिमेंट है इसी से रिडक्शन हो रहा है और इसी से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये तो रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स, डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स, इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, PROPORTION, इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स। यहाँ पर सेम एलिमेंट से रिडक्शन हुआ और सेम एलिमेंट से ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, ये सब थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, जैसे मान लीजिए 2H2O है, अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो टूट जाता है, किसमें बताइए, 2H2 में प्लस O2 में टूट जाता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पर किससे, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो अलग हो गया और ऑक्सीजन भी अलग हो गया, तो हाइड्रोजन का अलग होना क्या होगा बताइए। यहाँ से देखिए तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल गया और ऑक्सीजन भी निकल गया, तो हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा बताइए, हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से स्टूडेंट बोलिए, तो हाइड्रोजन का निकलना यहाँ पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। और यहाँ पर ध्यान से अगर समझिए तो ऑक्सीजन का ऐड होना, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकला हुआ है, तो हाइड्रोजन का निकलना स्टूडेंट क्या होगा बताइए, रिडक्शन, हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा, जब किसी भी कंपाउंड्स में जब ऑक्सीजन निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो आप पढ़े थे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफाइन में क्या था, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, इसको थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको उल्टा लिखते हैं, 2H2 प्लस O2, यहाँ बन रहा है 2H2O, इस तरह समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ, अब दोनों बात बोलोगे, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो ये भी देखिए कि स्पेशल तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स में ही बोलेंगे, लेकिन बता दें कि ये सब जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा पढ़ना है एडवांस क्लासेस में, तो ज़्यादा इसे बताएंगे तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा, क्योंकि और भी बहुत सारी रिएक्शन इसमें हैं, तो आप पर इसको समझिए। देखिए इसमें का बी पार्ट हो गया, देखते हैं सी पार्ट को, इसमें का जो सी पार्ट है वो देखते हैं, Fe2O3 प्लस 3CO है, यहाँ पर जो बना है 2Fe प्लस 3CO2 बना है, ध्यान से इसमें देखेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ से क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पर कार्बन में देखिए एक ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर कार्बन में एक और ऑक्सीजन आ गया, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। स्टूडेंट आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन में एक और ऑक्सीजन आ गया, तो ये ऑक्सीडेशन है। अब यहाँ पर ओरली बता सकते हैं कि अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन का एक क्या होता है बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पर बताइए क्या लिखेंगे, क्योंकि एक कार्बन में यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन था और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया, तो ये ऑक्सीडेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया आपका, 3CO लिखेंगे कि बस CO लिखेंगे, केवल CO लिखेंगे, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें का डी देख लीजिए, डी यहाँ पर देखिए, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम डी बताते हैं, तो इसमें का डी देखते हैं, देखिए क्या है डी, तो अब डी इसमें देखेंगे तो डी ए है 2H2 प्लस O2, देखिए वही आपको समझा रहे थे डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स का एक टाइप बताए थे, समझ लीजिएगा, यहाँ पर समझिए क्या है, बहुत आसान है आपको पहचानना क्या, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर ऑक्सीजन भी आ गया, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, क्योंकि आपको पहचानना क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपको देखना क्या है, ऑक्सीडेशन केवल देखना है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब यही होगा एजेंट, तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट आपका हो गया H2, यहाँ पर 2H2 मत लिखिएगा, बस H2 लिखेंगे। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन अकेले है, अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो देखिए ऑक्सीजन अकेले है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन भी ऐड हो गया। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, सिंगल है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो देखिए रिडक्शन हो गया, ये मतलब कि ऑक्सीजन का में हाइड्रोजन का ऐड होना, देखिए रिडक्शन हो गया, ये आपको हम थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं।
तो ये रिडक्शन हो गया। तो इसका मतलब कि रिडक्शन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, O2 हो गया। और सब में अगर चाहो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान से देखिए तो एक ही सब्सटेंस से इसी से ऑक्सीडेशन हुआ और इसी से क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडक्शन रिडॉक्सी है। ये थोड़ा सा जानकारी के लिए कि एक ही सब्सटेंस से आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स इसका एक टाइप है कि एक जानकारी आपको कि लेनी चाहिए एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रिडक्शन हो गया, क्यों रिडक्शन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्या ऐड हुआ, हाइड्रोजन, और जब इसका रिडक्शन होगा तो एजेंट में ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बस हम लोग समझ चुके कि इसको कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक क्वेश्चन में लिखा है ए बी और यहाँ पर सी है, सी डी ई। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो 5 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, गैप थ्रस जगह छोड़ दिए हैं ताकि किसी भी हम आंसर बताएंगे। तो देखिए ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका होता है, पहले सोचिए रिडक्शन का होता है, तो आप पहचानिए कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो रिडक्शन क्या होता है बताइए स्टूडेंट, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का ऐड होना, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए कहाँ से कहाँ निकल रहा है, हम लोग ऑक्सीजन के बेसिस पर ही सब डिसाइड कर लेंगे। ऑक्सीजन का निकलना देखिए यहाँ से यहाँ तक, इस पीबी में ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पीबी में ऑक्सीजन है नहीं है, मतलब देखिए तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। और अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब एजेंट में इसको कौन सा एजेंट बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका Pb3O4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्टूडेंट देखिए अब इसको मैं करना है, तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो देखिए ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानने के लिए क्या देखना होगा, कौन सा इसमें रिडक्शन को फॉलो कर रहा है, रिडक्शन को फॉलो कौन कर रहा है। देखिए इसमें ऑक्सीजन है कॉपर के साथ, इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन निकल गया है तो ये रिडक्शन है। यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस रिडक्शन हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए अगर रिडक्शन है तो बताइए कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो जो आपका कॉपर सल्फेट हो गया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए ये कोई पूछ दे तो ये क्या होता, तो देखिए यहाँ पर जिंक क्या है, अकेले जिंक में ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, अगर ऑक्सीडेशन है तो एजेंट में कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ये तो मान लीजिए पूछा नहीं था, बस स्टूडेंट आप कर सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर सी छोड़ देते हैं, आप खुद बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और डी देखिए डी भी आपको करना होगा, डी हम बता देते हैं डी देखिए कैसे होगा, लेकिन सी आप करेंगे, बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसमें ध्यान से देखिए तो H2O में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है तो आपको निकलना क्या, रिडक्शन पहचानिए, यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन हो रहा है। अगर ये रिडक्शन दे रहा है तो एजेंट में ये कौन सा एजेंट होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर 4H2O नहीं बस H2O लिखेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट ई भी आप खुद करेंगे, तो सी और ई ये आपके लिए होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बताना कि कौन सा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ओके स्टूडेंट्स को नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स दिया है आपको एक्स एंड वाई निकालना है द फॉलोइंग रिएक्शन, देखिए कैसे करेंगे। इसमें एक्स एंड वाई निकालना है, मिसिंग जो कंपोनेंट्स हैं या वेरिएबल्स भी हो सकते हैं वही आपको बताना है। तो स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, देखिएगा ये लेड नाइट्रेट है, याद रखिएगा नाइट्रेट हो कार्बोनेट हो चाहे सल्फेट हो, इन सब के नीचे हमेशा एक्वस लिखा जाता है। हाँ ये भी देखिए एक्वस लिखा गया है, लेड आयोडाइड ये सोलिड है। अब बोला गया यहाँ वाई फाइंड कीजिए, तो वाई मतलब क्या, अब फिजिकल स्टेट, क्योंकि ब्रैकेट में जो लिखा जाता है उसको फिजिकल स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर वाई को जो फिजिकल स्टेट निकालना है, बताइए पोटेशियम नाइट्रेट क्या होगा, तो हम क्या बोले स्टूडेंट, चाहे वो लास्ट में नाइट्रेट हो या सल्फेट हो चाहे कार्बोनेट हो, ये सब जो लास्ट में आएंगे तो समझ लीजिए वो कंपाउंड के नीचे हमेशा एक्वस लिखा जाता है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कि यहाँ पर वाई को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर वाई क्या होगा, तो इस वाई को हम लोग स्टूडेंट एक्वस बोलेंगे। तो यहाँ पर वाई जो रिप्रेजेंट करेगा ये एक्वस को रिप्रेजेंट करेगा, AQ। तो बस यही आपका आंसर है। तो मिसिंग एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन आपको बताना है, तो वाई एक्वस होगा, यहाँ एक्वस लिख दीजिएगा। देखिए कॉपर सॉलिड है, ये एक्वस है, बताया था ना कि नाइट्रेट, तो यहाँ पर एक्वस दिया गया है। अब देखिए कॉपर नाइट्रेट बना तो ये भी एक्वस है, क्योंकि नाइट्रेट हमेशा एक्वस ही देते हैं। अब यहाँ पर सॉलिड तो दिया है कि यहाँ स्टेट सॉलिड होगा फिजिकल स्टेट, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर अब कौन सा एक्स का एलिमेंट आएगा कंपाउंड को बताना है। तो रिएक्शन देखिए CuNO3 बन गया,
तो क्या छूट गया, टू ए जी, तो यहाँ पर टू ए जी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर टू ए जी है तो टू ए जी हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई टू ए जी। तो कहने का मतलब कि बहुत आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा है, फिजिकल स्टेट पूछा है कि कंपाउंड्स का ही नाम पूछा है। देखिए ये सॉलिड दिया है एक्वस, यहाँ पर x और y पूछा गया है, कैसे x निकालोगे क्या है। तो देखिए जेडियन से जिंक सल्फेट बना, आप समझते हैं ना कि ये मोर रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, तो ये सब तो आपको क्लियर है ही है, लेकिन एक्स वाई निकालना है। तो बताए थे चाहे सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, कार्बोनेट हो, अगर आ गया तो ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक्वस को। किसको करेंगे, एक्वस। तो एक्स यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्वस को, मतलब जिंक सल्फेट नीचे एक्वस लिखा जाएगा। और हाइड्रोजन, ये तो सबको पता है कि हाइड्रोजन गैस होती है, तो यहाँ पर वाई को आप गैस लिखोगे, ये वाई क्या होगा, गैस, जी लिखोगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो हमेशा गैस ही होती है, ये तो क्लियर है सबको। हाँ ये सॉलिड है, आपको x बताना है, यहाँ पर x क्या होगा बताइए स्टूडेंट। कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट होकर ये बन गया, डिकम्पोज होकर, तो x यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा हीट को, x स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेगा हीट को, मतलब यहाँ पर लगाओगे डेल्टा का सिंबल, क्या है, डेल्टा, चाहे हीट लिख दो या डेल्टा, ये यहाँ पर x रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ देखिए गैस दिया है, अब y पूछा गया, क्योंकि x और y बस निकालना है आपको, अब y, ये y क्या होगा, तो रिएक्शन लिखवाए थे आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर लिखवाए थे सॉलिड होता है, और ये सॉलिड होता भी, इसको आप देखे हैं, तो यहाँ पर y हो जाएगा सॉलिड। क्यों, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, जो मार्केट से खरीद कर आप जो चूना लाते हैं वो क्या रहता है, वो कठोर ही तो होता है, वो सॉलिड होता है, वाटर में डालते तो लगता है वो बॉयल होने, तो यहाँ पर वाई क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो ये एक्स आपका हीट हो गया और वाई सॉलिड हो गया, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू बतानी थी, तो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था, इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट कि कैसे होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, फेरस सल्फेट डिकम्पोजेज विद द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। अभी बताए थे पहले ही, शुरुआत में बता दिए थे कि फेरस सल्फेट का जो फार्मूला होता है क्या होता है, FeSO4 होता है, FeSO4 और ये एक्वस है, क्योंकि SO4 NO3 CO3 जब भी आएगा तो एक्वस लिखना। तो फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो रहा है विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस बाहर निकल रही है, हैविंग ए करेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, उसकी स्मेल कैसी है, जैसे सल्फर को जब बर्न करते तो उसकी स्मेल आती है, तो वैसी स्मेल को गैस के पास है वो स्मेल। राइट द केमिकल रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट इसको जब डिकम्पोज करोगे तो बोला गया है गैस निकलेगी, तो पर इसका रिएक्शन लिखेंगे, तो बताए थे कि क्या निकलता है, शुरुआत में ही Fe2O3 हो गया, प्लस SO2 हो गया और प्लस SO3 हो गया। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये आपका हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका बना ये होता है S सॉलिड हो गया, क्योंकि रस्ट का फार्मूला, ये भी गैस हो गया और ये भी गैस हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इसी के पास ये होता है, दोनों गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये तो हो गया डिकम्पोज के लिए, रिएक्शन को बैलेंस को, यहाँ पर दो आयरन है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखिए यहाँ पर कितने सल्फर है, दो सल्फर, तो यहाँ भी देखिए 2 सल्फर, 2 4 जाए 8 ऑक्सीजन, 3 2 5 3 8, तो रिएक्शन तो बैलेंस है स्टूडेंट, तो यही बनेगा, यही बोला था आइडेंटिफाई द रिएक्शन, बताइए कौन सा रिएक्शन है। तो इसको हिट किया गया होगा, और ये ध्यान से देखिए तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कैसे, क्योंकि एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर 2 or more सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो बस कितना इजी क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, तो स्टार लगा लीजिएगा, ये रिएक्शन एकदम आपको याद होना चाहिए, हम उस समय बताए थे शुरुआत में भी और भी बता रहे हैं कि इसको तुम रट लेना, इस रिएक्शन को कई बार आ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और ये जो होता है इसे बोलते हैं रस्ट, जो आयरन के ऊपर रस्ट लग जाता है उसका ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए, तब देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं, बोला गया कि व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क बॉटल्स, तो डार्क बॉटल्स में सिल्वर क्लोराइड को क्यों रखा जाता है। डार्क बॉटल्स का मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई अगर बॉटल्स है तो उस बॉटल्स में स्टूडेंट जब ये रखा जाएगा, तो उस बॉटल्स में जब सिल्वर क्लोराइड्स रखा जाएगा तो इस बॉटल्स के बाहर मतलब पेंटिंग कर दी जाएगी, मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, ये जिससे कि सनलाइट ना पहुंच पाए। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि इस बॉटल्स को डार्क, मतलब डार्क बॉटल्स में क्यों रखा जाता है, जिससे कि सनलाइट ना पहुँच पाए, तो बाहर से ऐसी कुछ पेंटिंग कर दीजिए जिससे कि सनलाइट अंदर ना पहुँचे। तो इसी यही पूछ रहा है कि इसको क्यों डार्क बॉटल्स में रखा जाता है सिल्वर क्लोराइड्स को। तो जानते हैं
बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू प्रोवाइड सिल्वर एंड क्लोरीन्स गैस, अलग अलग देखिए सिल्वर क्लोराइड का फॉर्म होता है AgCl, ये हम पढ़ भी चुके हैं। ये यहाँ पर जैसे इसको आप सनलाइट में रखोगे, मान लो सपोज दैट कि आपने इसको सनलाइट दे दिया, सनलाइट कैसे पहुँचेगी, जब यहाँ पर मान लीजिए कि ग्लास है और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है तो सनलाइट पहुँच जाएगी अंदर, तो जैसे सनलाइट पहुँचेगी तो टूट जाएगा किस में, 2Ag में और प्लस Cl2 में, मतलब यहाँ पर यह बन जाएगा सॉलिड, ये Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो देखिए ये बन गया अलग प्रोडक्ट, यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए, ये सॉलिड है। कहने का मतलब कि ये आपका जो सिल्वर क्लोराइड है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, तो कहने का मतलब कि जो आपके बॉटल्स के अंदर जो सिल्वर क्लोराइड था अब वो नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा, तो जो आपको चाहिए वो रहेगा ही नहीं। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि सनलाइट अंदर ना पहुँच पाए, क्योंकि थोड़ा सा भी सनलाइट इसको मिल गया तो तुरंत ये बन जाएगा, मतलब ये आपका जो मटेरियल है ये चेंज हो जाएगा, सिल्वर क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्टोर करते हैं डार्क बटर्स, मतलब क्या बाहर से पेंटिंग कर दो, ऐसा लेप लगा दो जिससे कि सनलाइट अंदर ना पहुँच पाए और हमारा सिल्वर क्लोराइड उसी में रहे, ये एक्सपोज होकर ये ना बन जाए। और तो यही इसका रीज़न है, आप लिख सकते हैं। और एक नंबर का था ये रिएक्शन, लिख कर आप बता सकते थे, और रिएक्शन का टाइप अगर पूछता तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ भी आप बताइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन है, क्योंकि बताया था तीन तरह का होता है डिकम्पोजिशन। तो ये सनलाइट के कारण ब्रेक हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन है, नहीं थर्मल नहीं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। तो यही कारण है स्टूडेंट, आप इसको रीजन दे सकते हो, इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, जिंक लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेयर एज कॉपर डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। बोला गया है कि जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है, यहाँ पर लिक्विड लिख सकते हैं, लिक्विड स्टेट में होता है, तो जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो बनता है क्या बताइए, ZnCl2 अब प्लस यहाँ पर H2 गैस। तो कहने का मतलब स्टूडेंट पहले आप ये बताइए कि रिएक्शन क्यों हुआ। तो जिंक देखिए मोर रिएक्टिव है, आपको लिखवाए थे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, और हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो आप जानते हैं कि अगर मोर जिंक है मोर तो लेस को तो डिस्प्लेस कर ही सकता है, तो जिंक तो यहाँ पर क्या निकला बाहर, हाइड्रोजन गैस। तो जिंक लिबरेट, जिंक क्या करता है हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है, कब, जब रिएक्शन करता है इसके साथ। तो देखिए जिंक के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, वेयर एज कॉपर डज नॉट एक्सप्लेन वाई। अब बोला गया है कि जब जिंक के साथ रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, लेकिन कॉपर के साथ ऐसा नहीं होता है, क्यों, तो Cu+HCl जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पर CuCl2+H2 गैस नहीं बनेगा, ये गलत है, बोलेगा कि यहाँ बाहर निकलेगा ही नहीं। तो खुद आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर कापर क्या बताइए और हाइड्रोजन, तो आपको बताए थे कि हाइड्रोजन के नीचे कापर होता है, CuAgAu, यही आर लिखवाया था आपको, है कौन आगे आओ, तो एच के नीचे सी यू होता है, तो ये ऊपर हो गया, तो सी यू नीचे है तो ये हो गया लेस रिएक्टिव, और एच क्या होता है, मोर रिएक्टिव। अब खुद दिमाग लगाइए कि लेस कभी मोर को डिस्प्लेस कर पाएगा, जब कर ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, नो रिएक्शन, जब रिएक्शन होगा ही नहीं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा ही नहीं। तो आप रीजन कैसे देंगे, इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स जिंक इज द एबव द हाइड्रोजन एंड सो जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड हेंस इट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन गैस इन द HCl इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट कॉपर इज बिलो द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स, देखिए बिलो है, सो कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड हेंस कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो रिएक्शन डज नॉट फॉरवर्ड या कैरी, सो नो रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन इसका लॉजिक यही है, लिख देंगे कि क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है और ये मोर है इसलिए इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया, सिंपल एकदम बता सकते हैं। तो स्टूडेंट ये इसका लॉजिक हो गया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन दिया है, सिल्वर आर्टिकल्स जनरली टर्न्स ब्लैक, सिल्वर आर्टिकल जैसे मान लीजिए सिल्वर की रिंग है, तो सिल्वर की रिंग अगर पहने हो तो लिखा गया है कि व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर ए फ्यू डेज, एक समय के बाद देखते हो कि जो सिल्वर की रिंग है या सिल्वर का कोई भी मटेरियल है वो ब्लैक हो जाता है, क्यों, द आर्टिकल्स में रब टूथपेस्ट, जब आर्टिकल्स को वहीं टूथपेस्ट से उसको रब कर दोगे तो फिर से लगता है चमकने,
फिर से साइन करने लगता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट फॉर ए फ्यू डेज, जब इसको ओपन में रख दोगे तो सिल्वर आर्टिकल्स क्यों ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका रीजन देखिए ये है, इसका एक हम लिख रहे हैं यहाँ पर रीजन फर्स्ट का, क्योंकि देखिए एटमोसफियर में H2S गैस होती है, तो लिखेंगे सिल्वर रिएक्ट H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन एटमोसफियर ड्यू टू कलर ड्यू टू कलर इज ब्लैक। जब रिएक्शन होगा तो उसके कारण कलर ब्लैक हो जाएगा, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोरोजन, इसी को कोरोजन भी बोल सकते हो। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ख़राब कर देना। अब यानी कि रस्ट लगेगा तभी कोरोजन बोला जाएगा, क्योंकि देखिए सिल्वर का जो मटेरियल्स वो भी क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। तो सिल्वर क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करेगा एटमोसफेयर में प्रजेंट, और जिसके कारण कि वो कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा सिल्वर आर्टिकल्स का, और इस फिनोमेना का नाम होता है कोरोजन। तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जगह यहीं पर कर लेते हैं। देखिए सेकेंड क्या दिया है, नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म एंड गिव इट्स केमिकल रिएक्शन। अब बोला गया कि जो सब्सटेंस बना है उसका हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो देखिए आपका क्या होता है, सिल्वर का कोई मटेरियल है तो सिल्वर हो गया, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। जब इससे रिएक्शन होगा स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन जब करता है तो यहाँ बनता है Ag2S प्लस H2 गैस। मतलब बनता है क्या, देखिए Ag2S कैसे बना, देखिए Ag पर क्या होता है प्लस, Ag पर 2 होता है चार्ज, Ag पर प्लस होता है, हाइड्रोजन पर क्या होता है प्लस और एस पर माइनस। तो यहाँ पर AgS रिएक्शन करेगा तो देखिए Ag की बैलेंसी 1 होती है, सल्फर की बैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, तो क्या बनेगा Ag2S बनेगा। इसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड, यही जो बनता है सिल्वर सल्फाइड ये ब्लैक होता है, ये इसका कलर ब्लैक होता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 सिल्वर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट ये आपका सॉलिड है, ये H2S जो है गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है गैस है। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्शन करके ये सिल्वर जो सल्फाइड बनता है यही ब्लैक कलर होता है। और जब इसको टूथपेस्ट से इसको रब कर दोगे तो फिर से लगता है चमकने, क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है बेस होता है, तो बेस के रिएक्शन करने से वो न्यूट्रल कर देता है, फिर से वो शाइनिंग करने लगता है। तो स्टूडेंट अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर नहीं होता अर्थ पर, तो मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर है तो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में सब गैसें प्रेजेंट हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट आप मून पर चले जाइए, मून पर, तो अगर आप मून पर चले गए या किसी और प्लैनेट्स पर चले जाइए जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, मून पर तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं है, तो जब वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पर यह गैस भी नहीं मिलेगी, और जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ही नहीं मिलेगी तो रिएक्शन होगा ही नहीं, और जब रिएक्शन होगा ही नहीं तो आपका जो सिल्वर आर्टिकल्स है वो ब्लैक होगा ही नहीं, और जब ब्लैक होगा ही नहीं तो लंबे समय तक चलेगा। मतलब कि सिल्वर आर्टिकल्स को अगर चाहते हैं कि वो खराब ना हो, वो ब्लैक ना हो, तो वहाँ पर रख दीजिए जहाँ पर एटमॉस्फेयर ना हो, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये गैस है। तो मून पर रख दीजिए कहीं और प्लैनेट्स पर, तो वो अनंत काल तक वैसे ही रहेगा, उसकी शाइनिंग बरकरार रहेगी, वो शाइनिंग खराब नहीं होगी उसकी, वो ब्लैक नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको विदाउट एटमॉस्फेयर रखना पड़ेगा। तो जाइए मून पर, मून की सैर कीजिए, वहाँ पर आर्टिकल्स को रखिए, वहाँ पर ब्लैक नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर गैस मिलेगी ही नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा लीजिएगा, ट्रिपल स्टार। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5-6 बार आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम इसको फोकस कीजिएगा, इसको नोट कीजिए। डिकेशन ने क्वेश्चन दिया है, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ लेड सेकेंड, लेड सेकेंड का मतलब क्या है, लेड का फॉर्मूला पीबी होता है, और ऊपर सेकेंड लिखा है, इसका मतलब कि जो पीबी पर चार्ज है स्टूडेंट वो 2 है, इसकी बैलेंसी 2 है, ये इसका मतलब है। अगर बोल दे कि ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है 2, तो ब्रैकेट में लेते 2, तो इसका मतलब कि इसकी बैलेंसी 2 है, तो ब्रैकेट में जो नंबर लिखा था रोमन नंबर में 1, 2, 3 इसकी बैलेंसी लिखा है। मतलब बोला गया है कि पोटेशियम आयोडाइड का जो फॉर्मूला होता है KI होता है, तो व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट
का फॉर्म होता है पी बी एन ओ थ्री का ट्वाइस होता है। कैसे बड़ा फार्मूला देखिए, तो पी बी की बैलेंस शीट दिया भी गया ब्रैकेट में कितना टू, नाइट्रेट का पढ़े हो एन ओ थ्री पर माइनस इसका वन होता है, तो जब क्रिस क्रॉस से बनाओगे तो क्या बनेगा पी बी एन ओ थ्री का ट्वाइस ही बनेगा। तो ये सब तो चीज़ आप पढ़े थे क्लास नाइन में। तो देखिए पी बी एन ओ थ्री का ट्वाइस बन गया। अब स्टूडेंट क्या बोला गया है कि आयोडाइड सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड, ये पोटेशियम आयोडाइड है इसको ऐड किया जा रहा है नाइट्रेट में, तो अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो देखिए क्या रिएक्शन बनेगा, तो रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपका लेड आयोडाइड, क्योंकि देखिए इस पर के पर प्लस होता है इस पर माइनस होता है, आगे इसको हम ब्रेक करें तो देखिए के पर प्लस होता है और आयोडीन पर माइनस होता है, यहाँ पी वी पर प्लस होगा है और एन ओ थ्री पर माइनस होता है, इस पर टू प्लस होता है क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पर लिखा गया ना टू। अब कैसे करा रिएक्शन, तो देखिए प्लस कहाँ जाएगा माइनस के पास जाएगा और ये प्लस माइनस के पास जाएगा, तो पी वी पर देखिए टू है तो पी वी पर टू हो गया और आई डी में कितना हो गया वन, तो क्रिस क्रॉस से बनाओगे तो क्या बन गया पी वी आई टू बन गया। तो देखिए प्रोडक्ट बनाना कितना आसान है, आपको रटना ही नहीं है, एक तरह से आयन भी एक्सचेंज हो रहा है, और जब आयन एक्सचेंज होगा तो कौन सा रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो फोर तो अपने आप निकल गया टाइप ऑफ रिएक्शन, और क्या बनेगा पी वी आई टू प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये के एन ओ थ्री बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। बोला गया है व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, तो देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन को लिख करके नीचे में एक एरो दिखा दे रही है स्टूडेंट, जब एरो ऊपर जाएगा जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि जेड एन प्लस एच टू एस ओ फोर है, तो यहाँ पर बनता है क्या आपका बताइए जेड एन एस ओ फोर प्लस एच टू, यहाँ पर एरो ऊपर दिखा दिए, तो केमिस्ट्री में जब एरो ऊपर दिखाया जाता है यहाँ पर लिखे हैं हाइड्रोजन क्या होता है गैस, तो आप जानते हैं कि गैस हमेशा कहाँ उड़ती है ऊपर की ओर जाती है, गैस कभी नीचे जाती नहीं, गैस हमेशा ऊपर उड़ती है, तो ये एरो ये शो कर रहा है कि गैस है मतलब गैस हमेशा ऊपर जाती है, तो जब भी कोई गैस बाहर निकलेगा और एरो ऊपर की तरफ दिखाया जाए तो समझे कि गैस है वो ऊपर जा रही है, गैस हमेशा ऊपर ही जाती है। ये प्रेसिपिटेट होता है ये येलो, इसका होता है कलर येलो, इसको बोलते हैं पीपीटी प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि वाटर है कंटेनर में आप वाटर रखे हैं और वाटर में जैसे मान लीजिए डस्ट पार्टिकल्स को रखेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स एक समय के बाद क्या होगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा और नीचे जाकर बॉटम में बैठ जाएगा, तो वही जब बॉटम में बैठ गया तो वो क्या हो गया प्रेसिपिटेट हो गया, तो एरो नीचे की ओर दिखाया इसका मतलब क्या कि प्रेसिपिटेट कहाँ बैठता है, अगर कोई भी रिएक्शन कराओगे अगर नीचे आकर बैठ गया तो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, तो एरो मतलब क्या नीचे की ओर, तो प्रेसिपिटेट हमेशा नीचे बैठता है, एरो ऊपर हो गया तो समझ लीजिए गैस के लिए वो सिंबल होता है, अब प्रेसिपिटेट के लिए नीचे की ओर एरो होता है। मान लीजिए अगर चाक पार्टिकल्स से चाक पार्टिकल्स को वाटर में आप डालते हैं तो धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाता है, तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं आइडिया ले सकते हैं। तो प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, इसको क्या बोलेंगे इनसॉल्युबल, ये सॉल्युबल तो होगा नहीं, अब बोलोगे कि शुगर को डालेंगे वाटर में तो नीचे बैठ जाएगा तो नहीं शुगर तो घुल जाएगा उसमें, तो ये होता है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, इनसॉल्युबल होता है। तो क्या पूछा था व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट येलो, नेम द प्रेसिपिटेट कंपाउंड, इसका नाम क्या लेड आयोडाइड, इसका केमिकल नेम क्या है लेड आयोडाइड, याद रखिएगा बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, स्टार लगा लीजिएगा फाइव स्टार क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पांच छह बार ये भी आ चुका है रिएक्शन, कई बार ये पूछ चुका है। तो ये हो गया राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करना, बैलेंस कैसे करोगे जी, क्या इसका तरीका बैलेंस करने का, यहाँ पर कितना आयोडीन है दो, तो यहाँ पर दो है तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो पोटेशियम दो हो गया और पोटेशियम दो हो गया स्टूडेंट तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो पोटेशियम दो हो गया दो नाइट्रोजन हो गया, यहाँ भी देखिए टू वन या टू, यहाँ वन तो है टू नाइट्रोजन टू थ्री या सिक्स ऑक्सीजन टू थ्री या सिक्स ऑक्सीजन, लेड ए के लेड ए के बैलेंस सब हो गया। टाइप ऑफ रिएक्शन बता ही दिए, आयन एक्सचेंज हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एकदम, इसको अच्छे से लिख लिख कर याद रखिएगा माइंड में कैसे बना, और रटना क्या है समझाई दिए सब मैकेनिज्म कैसे कैसे काम होता है, ब्रैकेट में जो लिखा है ये क्या था वैलेंसी, उसका चार्ज होता है मतलब वैलेंसी हो गया, और बस देख लीजिए इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये कितना आसान था रिएक्शन, और आज के लिए इतना ही रहेगा, और स्टूडेंट देखिए ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है, आज का क्लास क्या था पूरा बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को हम डिस्कस कराएं, इसको स्किप मत कीजिएगा जरूर पढ़िएगा, और पिछले
और कुछ क्वेश्चन दिए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। दो क्वेश्चन दिए हैं और पिछला पार्ट का पार्ट फोर आया था उसमें बच्चों ने कमेंट किया है, जैसे कि प्रशांत हो गए, सैजल हो गई और भी शिव आनंद स्टूडेंट, ऋषिकेश हो गए, ये चार पांच ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार एक्टिव हैं और कमेंट कर रहे हैं और आंसर सही दे रहे हैं। तो वैसे सारे लोग आएँ और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और जो दो क्वेश्चन दिए उसको ज़रूर आप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उसका इंतजार करेंगे। और आज का जो हम पढ़ाए हैं जरूर इसको देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।